हेलो व्यूवर्स मैं शालू और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोच पोस्टुलेट्स गाइज आज हम बात करेंगे कि कोच पोस्टुलेट्स होते क्या हैं कोच ने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे गाइज ये जो टॉपिक है ये है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो बॉटनी में आपके यू यूनिट नंबर जो सिक्स है उसका ये टॉपिक है गाइज जो कोच ने अपने पॉस्टुलेट दिए हैं या सिद्धांत दिए हैं उन्होंने डिजीज़ के ऊपर काम किया है डिजीज़ के ऊपर उन्होंने जब काम किया तो उन्होंने कुछ ऐसे चीज़ों की डिस्कवरी की है जैसे कि अगर कोई डिजीज किसी होस्ट में हो रही है या किसी जो कोई इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं जिसमें कुछ ना कुछ बीमारी है तो उन्होंने बताया उस बीमारी के होने के पीछे कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी पैथोजन का बहुत बड़ा हाथ है तो उन्होंने अपने इस काम को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके भी दिखाया है तो देख लेते हैं गाइज रोबर्ट कोच एक्सटेंडेड द वर्क ऑफ लुइस पास्चर इन 1890 जो आपके रोबर्ट कोच हैं इसीलिए इस इस टॉपिक का नाम कोच पॉस्टुलेट्स हैं क्योंकि इस पर जो काम है वो रोबर्ट कोच ने किया है बेसिकली रोबोट कोच ने किया क्या है लुईस पास्चर के काम को आगे फर्दर एक्सटेंड किया है मतलब उन्हीं के टॉपिक को आगे बढ़ा के इन्होंने बताया एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके भी बताया है ही गिव ए थ्योरी कॉल्ड जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ और इस काम को करने के दौरान उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी है जिसका नाम है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ क्या कहती है कि अगर कोई डिजीज़ किसी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर रही है तो उसके पीछे किसी ना किसी पैथोजन या जर्म का हाथ है तो अगर कोई सिम्टम्स या फिर कोई बीमारी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको दिखाई देती है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई पैथोजन या फिर जर्म रेस्पॉन्सिबल होते हैं बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रोब्स एंड डिजीज और इन्होंने इस थ्योरी में बताया कि कैसे डिजीज़ और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या पैथोजन है उनके बीच में रिलेशनशिप होती है ही डिस्कवर्ड दी बैक्टीरिया दैट कॉजिज एंथ्रैक्स डिजीज़ एंड कोलेरा उन्होंने कुछ डिस्कवरी भी की बैक्टीरिया की खोज करी उन्होंने बताया कि जो बैक्टीरिया है उनकी वजह से एंथ्रेक्स डिजीज एंड कोलेरा जो आपकी डिजीज़ है है जा वो हो रही है और इसी की वजह से उनको क्या कहा गया ही वॉज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न बायो बैक्टीरियोलॉजी उनको फादर भी बोला गया मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी का इनके काम की वजह से ही आगे देख लेते हैं ही गिव सर्टिन रूल्स और क्राइटेरिया दैट शुड बी सैटिस्फाइड बिफोर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इन ए पर्टिकुलर डिजीज कुड बी एस्टेब्लिश दैट दीज रूल्स आर नोन एज कोच पॉस्टूलेट्स इन्होंने अपने जो इस फील्ड में है इन्होंने काफी सारा काम किया और बताया कि एक जो डिजीज किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है एक पर्टिकुलर डिजीज़ उसके लिए एक पर्टिकुलर क्या होता है पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल होता है मतलब अगर कोई डिजीज़ है जैसे आप यहाँ एंथ्रेक्स डिजीज की बात करें तो एंथ्रेक्स डिजीज को करने वाला एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है इस टाइप से अगर कोई बीमारी है उसके पीछे कुछ ना कुछ पैथोजन्स होते हैं जिसकी वजह से वो डिजीज़ कोज होती है तो इन्होंने अपनी इस इन रूल्स को दिया और इन रूल्स का नाम ही कोच पॉस्टुलेट्स हैं उनके सिद्धांत आएँ जिसको कोच पॉस्टुलेट्स के नाम से जाना जाता है तो देख लेते हैं क्या है इनके कोच के पॉस्टुलेट्स तो इसमें फर्स्ट जो पॉस्टुलेट्स है द सस्पेक्टिव पॉजिटिव ऑर्गन एजेंट ब्रैकेट में लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी प्रजेंट इन ओल्ड डिजीज ऑर्गेनिज्म बट एबसेंट इन हेल्थी ऑर्गेनिज्म सबसे पहली बात उन्होंने अपने सिद्धांत में बताई कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज़ है अगर किसी कोई बीमार है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ पैथोजन या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रजेंट है उन्होंने एक्सपेरिमेंटली भी दिखाया था और अगर कोई हेल्दी ऑर्गेनिज्म है तो वो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसके ब्लड में या उसकी बॉडी के अंदर एबसेंट होता है नेक्स्ट दूसरा उनका पोस्टुलेट क्या है द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिजीज ऑर्गेनिज्म एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर और उन्होंने बताया कि अगर कोई जो पैथोजन है जिसकी वजह से बीमारी हो रही है तो आप उसको क्या कर सकते हैं उस ऑर्गेनिज्म के अंदर से बाहर ले निकाल सकते हैं और उसको निकाल कर कल्चर कर सकते हैं दैट मीन्स उसकी ग्रो कर सकते हैं तो इन्होंने ग्रो कराया उसको कल्चर मीडियम में देन उन्हें क्या, क्या क्या किया नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका द कल्चर एजेंट मस्ट कोज सेम डिजीज वैन इनाकुलेटेड इंटू ए हेल्थी एंड सस्पेक्टिव ऑर्गेनिज्म ससेप्टेबल ऑर्गेनिज्म उन्होंने जो कल्चर कराया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन उनको उन्होंने एक हेल्दी uh, जो हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको कुछ भी बीमारी नहीं थी उसमें इंट्रोड्यूस करा दिया और उसके बाद उन्होंने क्या देखा सेम पॉजिटिव एजेंट मस्ट बी देन री आइसोलेटेड फ्रॉम द इनाकोलेटेड डिजीज ऑर्गेनिज्म जो हेल्थी ऑर्गेनिज्म था जिनके अंदर उन्होंने अपना जो पैथोजन इंट्रोड्यूस कराया था तो उन्होंने जब उसके ब्लड को आइसोलेट किया तो उसमें देखा कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो दोबारा उसकी बॉडी के वो उसके अंदर मौजूद हैं तो ये जो आपके पॉस्टुलेट्स हैं इनको एक बार डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं सबसे पहला उनका जो पॉस्टुलेट था कि उन्होंने दो ऑर्गेनिज्म लिए एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म एक उन्होंने लिया है अपना आ, डिजीज ऑर्गेनिज्म तो इन्होंने क्या देखा जो हेल्दी ऑर्गेनिज्म था जब उन्होंने उसके ब्लड को लिया तो उस ब्लड में किसी भी प्रकार का कोई भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म नहीं था मतलब यहाँ कोई भी बैक्टीरिया वगैरह कुछ नहीं था देन यही अगर उन्होंने डिजीज ऑर्गेनिज्म के ब्लड को आइसोलेट किया तो वहाँ पर देखा कि एक पैथोजन या फिर डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है वो क्या है प्रजेंट है तो ऑब्वियसली बात है अगर किसी के अंदर कुछ भी डिजीज़ है या कुछ उसकी बॉडी में सिम्टम्स हैं तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से वो बीमारी कोज हो रही है देन उन्होंने उस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को जब आइसोलेट किया उसके ब्लड से देन उन्होंने उसको क्या करा लिया जो पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जिसकी वजह से बीमारी कोज हो रही थी उसको एक कल्चर मीडियम में ग्रो करा लेते हैं देन कल्चर मीडियम में ग्रो कराने के बाद उन्होंने क्या किया उन्होंने फिर इन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिन जिनको उन्होंने कल्चर कराया था एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया मतलब एक हेल्दी पर्सन को लिया और उसकी बॉडी के अंदर वो जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म थे वो उनको डाल दी उन्होंने देखा कि अब ये हेल्दी पर्सन है इसकी बॉडी पर इसका क्या इन्फेक्ट पड़ेगा तो जब उन्होंने उसके ब्लड को आइसोलेट किया तो देन उसके बाद फिर वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस डिजीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल हो रहा था तो कोश ने ये ये अपने पॉस्टुलिट्स बताए दीज पॉस्टुलेट्स हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द वेरियस पॉजिटिव एजेंट्स ऑफ मैनी डिजीज़ बट देयर इज सम एक्सेप्शन देखो होता क्या है वैसे तो हर जगह ये कोच के पॉस्टुलेट बिल्कुल फिट बैठते हैं कि अगर कोई डिजीज़ किसी ऑर्गेनिज्म में कोई बीमारी हो रही है तो उसके पीछे कुछ ना किसी पैथोजन या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हाथ होता है तो कोच के पॉस्टुलेट ये सारे सही बैठ रहे थे बट अगर कोई चीज़ है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ अपवाद तो होते ही हैं एक्सेप्शन भी हैं तो अब एक्सेप्शन देख लेते हैं फिर ड्राबैक्स देख लेते हैं क्या क्या कोच के जो ड्राबैक्स हैं वो क्या क्या कमियाँ रही हैं वो जिनको आप प्रूफ नहीं कर पाए तो पहला देख लेते हैं इन सम ऑफ द केसेस व्हेन पैथोजन लाइक फाइटोप्लाज्मा, प्रोटोजोआ फंजाई एंड वायरसेस और वायरस कल्चर और प्योरीफिकेशन ऑफ पैथोजन इज नॉट यस पॉसिबल देखो इन्होंने क्या बताया था कि जैसे कोई डिजीज ऑर्गेनिज्म है तो उसमें से आप उसका ब्लड आइसोलेट करेंगे देन वहाँ से आप पैथोजन को निकाल कर उसका कल्चर कर सकते हैं बट कई बार ऐसा होता है कि सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका कल्चर पॉसिबल नहीं है तो अगर किसी को वायरल डिजीज़ है किसी को फंगल डिजीज़ है तो उसका कैसे पता लगा सकते हैं तो यहाँ तो इनका पॉइसोलेट सही नहीं बैठ रहा है देन द पैथोजेंस कैन नॉट भी री इंट्रोड्यूस इंटू इंटू होस्ट उन्होंने क्या कहा था कल्चर के बाद उसको दोबारा हेल्थी पर्सन के अंदर इंट्रोड्यूस करा, करा दिया था अब जब यहां कल्चर ही नहीं हो पा सकता इन इन सब का तो फिर उसको दोबारा इंट्रोड्यूस तो दो आप नहीं कर सकते तो दीज पैथोजेंस कैन नॉट बी फॉलो द कॉच पोस्टलेट्स तो ये जो आपके ये जो आपने ये देखे हैं ये जो पैथोजेंस होते हैं जिनकी वजह से डिजीज कोज हो रही है जैसे वायरस आपकी फन जाए तो ये कॉच पॉस्टोलेट्स को फॉलो नहीं करते हैं नेक्स्ट इन केस ऑफ रूट डिजीज कोमा इनोकुलेशन एंड आइसोलेशन ऑफ पैथोजेंस आर डिफिकल्ट तो अगर किसी रूट के अंदर क्या है कोई भी प्लांट की जो रूट से उनके अंदर कोई डिजीज है तो वहां से आप प्लांट को उखाड़ कर उसको आइसोलेट करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है तो यहां भी आप क्या डिजीज का पता नहीं लगा सकते अगर कोई रूट में जो डिजीज है और देन अगर आपने लगा भी लिया तो फिर उसका आइसोलेशन देन उसके बाद उसका कल्चर करना बहुत इंपॉसिबल है तो यह भी आपके कोच को पोस्टलेट्स को फॉलो नहीं करता नेक्स्ट लास्ट जो आपका ड्राबैक है इन्फेक्शन विद इन द सेम वायरस मे लीड्स टू द मार्कली डिफरेंट डिजीज एंड सिमटम कई बार होता क्या है जैसे कोई वायरस है तो वो वायरस क्या करता है कुछ जो उसके सिम्टम्स होते जैसे वो रेगुलरली वो सिम्टम्स शो करता है उस डिज़ीज़ का तो कई बार उसका वो सिम्टम्स सेम ना के कुछ और सिम्टम्स शो कर सकता है या कुछ अलग डिज़ीज़ भी कॉज हो सकती है तो ये भी आप पता नहीं लगा सकते कि ये किस वायरस की वजह से ये सिम्टम्स हो रहे हैं या वो ही वाला वायरस ये सिम्टम्स कोज कर रहा है तो कई बार ये भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपकी इसकी ड्रॉबैक्स हैं आपके कोच पॉस्टलेट्स के गाइज अगर हम बात करें कोच पॉस्टलेट्स की तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कई बार इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं डिफाइन कोच पॉस्टलेट्स हमेशा इसके ऊपर शॉर्ट नोट या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही पुट किए हैं अब तक के अब ये आपने देखा पिछले साल जो आपका बी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ था वहाँ पर इसके ऊपर कॉच पोस्टुलेट्स के ऊपर सेवन नंबर में क्वेश्चन आया तो आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन करनी है विद डायग्राम तो गाइज थैंक यू